अभी देखिए हम लोग रेडी हो चुके हैं। हम लोग अभी जाएंगे मिल्क लाने। हेलो, और ये देखिए आप अभी मैंने सब्जियां काट ली है। ये देखिए मैंने आलू छील लिया है और परवल को मैं ऐसे कट कट लगाऊंगी। ये हमारे सब्जी के मसाले हैं, ये मैंने मिक्स मसाले तैयार किए हैं पीस के। अदरा भी चढ़ा हुआ है तो ऐसा मानते हैं अदरा में खीर पूड़ी और सब्जी आपको जो पसंद हो वो बना सकते हैं। आप खाते हो? तो हम लोग अभी जा रहे हैं मिल्क लेने और उसके बाद हम लोग खीर बनाएंगे। हम लोग खीर पूड़ी क्यों बनाते हैं वो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों बनाते हैं। तो अदरा में हम लोग खीर पूड़ी इसलिए बनाते हैं क्योंकि इस टाइम पे मौसम भी चेंज होता है और किसानों के लिए ऐसा माना जाता है कि इस टाइम मौसम चेंज होता है और बारिश की संभावना बढ़ती है और हम इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए, ये इंद्रदेव प्रसन्न हो और उनकी फसल अच्छी हो। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ खीर पूड़ी और सब्जी बनाने और इंद्रदेव को प्रसन्न करने की मैं भी थोड़ी कोशिश करती हूँ ताकि थोड़ी मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए। और चलिए हमारे साथ बने रहिए और मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ खीर पूड़ी। इधर देख के क्या कर रहा हूँ, क्या चीज़ है इधर, बटरफ्लाई है। ये खास करके बिहार और यूपी में ज़्यादा मनाया जाता है और धान की खेती होती है इस टाइम पे। ये मौसम बहुत अच्छा हो रखा है और हमारे साथ इस वीडियो में इन तक बने रहिए। आप सब कैसे बनाते हैं वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अभी तो मैं गाँव में नहीं हूँ लेकिन गाँव में सब लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं। ये मैं खीर के लिए पहले दूध चढ़ा देती हूँ। ये मैंने खीर के लिए सामग्री ली है, ये चावल है और ये चीनी और ये ड्राई फ्रूट। अब मैं दाल को फ्राई करने जा रही हूँ, उसके बाद मैं इस तड़के डालूंगी तेजपत्ता, जीरा और लाल। मैंने कल मार्केट से आम लेके आई थी। मड़ा दाल बनके तैयार है, पूरी तरह पक चुकी है। ये देखिए मैंने खीर में चावल डाल दिए। देखिए या अगर आपके पास सिलबट्टा है तो उस पर भी हम इसको दरदरा पीस सकते हैं क्योंकि अब ये गर्म है। और इसको कुछ इस तरीके से धीरे धीरे दबाते जाइएगा नीचे की तरफ। ये देखिए ये क्रश हो रही है, जो दाल वाला जो स्टफिंग बना है उसको बराबर काटें। फुली फुली हमारी पूड़ियाँ तैयार हो चुकी है। ये देखिए हमारी थाली बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए अदरा की थाली ऐसे बनती है। ये खीर है, ये सब्जी, वो आलू और मैंने वो परवल की सब्जी बनाई थी और ये पूड़ी है दाल वाली पूड़ी और इसके साथ मैंगो ज़रूर रखिएगा। तो आप सब कैसे बनाते हैं अदरा में वो सब ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये देखिए अतर मेरी चुन्नी के साथ खेल रहा है बहुत नट करता है। बाय दोस्तों।